मैं विजेंद्र सोलंकी, रुक करते हैं बीकानेर का। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, बीकानेर की फिजा क्या कुछ कह रही है? देखिए विजेंद्र, यहाँ जो डूंगर कॉलेज है, यहाँ का सबसे बड़ा जो महाविद्यालय है, 10,000 से अधिक मतदाता वहाँ से NSUI तीसरी बार चुनाव जीती है। और ये तस्वीर जो है गुलाम रसूल दिखा रहे हैं, ये जश्न की तस्वीर बता रही है कि ये जीत कितनी अहम हो जाती है NSUI के लिए। यहाँ जो NSUI के एक तरह से कहिएगा जो लीड कर रहे थे प्रत्याशी कृष्ण कुमार गोदारा के अलावा, जो दूसरी टीम थी वो जिस तरह से NSUI का ये झंडा लहरा रही है, ये बताने को काफ़ी है कि यहाँ पर NSUI जो है जीती है। मैं आपको बता दूं, कृष्ण गोदारा यहां से 500 से अधिक मतों से चुनाव जीते हैं। और ये उड़ता हुआ गुलाल ये बयां कर रहा है इनके लोगों की खुशी, ये बता रही है कि ये जीत इनके लिए कितनी अहम है। हम कोशिश भी करेंगे कि इस वक्त आपसे लाइव हम बात कराएं जो प्रत्याशी जीते हैं उससे भी, कि कितना अहम उनके लिए ये अपने आप में इलेक्शन था। आप देखिए किस तरह का जश्न यहाँ पर जो है चल रहा है। हम कोशिश करेंगे बात कराने के लिए जो प्रत्याशी जीते हैं उनसे, हम कि किस तरह से जो है महत्वपूर्ण है। आप देखिए कितना जश्न है। मैं आपको बता दूं 10,000 से अधिक मतदाता यहाँ पर हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कॉलेज यहाँ की राजनीति की दिशा एक तरह से करती है। और हम बात करेंगे उनसे, हम कोशिश करेंगे किस तरह से जो है हम बात करने की कोशिश करेंगे एक बार किस तरह से जो है जीत का श्रेय किसे दे रहे हैं वो, ये हम बात करके बताएंगे। तो आप देखिए विजेंद्र, ये जोश जो है ये बताने को काफी है किस तरह से जश्न जो है लगातार, भले ही कहने को जुलूस पर पाबंदी है लेकिन जीत का जश्न जो है बनता है और वहां पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो है ये तीन चुनाव से चुनाव जीती आ रही है और तीसरी बार भी ऐसा हुआ है कि NSUI यहाँ से चुनाव जीती है। एक तरह से रैली के रूप में ये जुलूस भरता हुआ यहाँ पर तमाम वो नेता हैं जिनका कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण था। जी बिल्कुल लक्ष्मण, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और जुलूस भी देख पा रहे हैं, उड़ता हुआ रंग गुलाल भी देख पा रहे हैं। दरअसल ये छात्र राजनीति का रंग है, जब कोई जीतता है तो गुलाल उड़ता है और जब कोई हारता है तो फिर आंसू निकलते हैं। लेकिन यहां से एक नई राह की शुरुआत होती है। NSUI बीकानेर के अंदर परचम फहराती हुई अध्यक्ष पद पर कब्जा यहां पर किया है। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव वहां से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जुलूस पर पाबंदी के बावजूद किस तरीके से जुलूस यहां पर निकाला जा रहा है। और जुलूस ना कहिए, इसको विजय जश्न कह लीजिए, क्योंकि ये छात्र राजनीति है। यहां पर जुनून भी परवार पर होता है और जश्न भी परवान पर होता है। और जश्न की तस्वीरें जब सड़कों पर इस तरीके से उड़ते गुलाल अबीर के बीच में नजर आए तो फिर कहिए कि वहां पर कड़ी मेहनत भी की गई और फल मिला, तो फिर पूरे उत्साह के साथ उसको स्वीकार भी यहां पर किया गया है। लक्ष्मण राघव, तस्वीरें वहां से दिखा रहे थे कि किस तरीके से NSUI ने परचम वहां पर लहराया और उसके बाद जीत दर्ज की गई है। NSUI बीकानेर के अंदर अध्यक्ष पद पर काबिज यहां पर कर चुके हैं और 500 से ज्यादा वोटों पर NSUI के प्रत्याशी यहां पर जीतते हुए नजर आए। और अब रुक कर लेते हैं राजस्थान।